गुड मॉर्निंग बच्चों, यह वीडियो आपको वर्जिन मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन द्वारा प्रेषित किया जा रहा है। बच्चों, आज हम पाठ एक मेरा देश महान बने कविता का अर्थ समझेंगे। इस कविता के रचनाकार उदय शंकर भट्ट जी हैं। इस कविता में कवि ने देश को महान बनाने के भाव को व्यक्त किया है। बच्चों, अब हम एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने, मेरा देश महान बने। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि हमारा देश महान तभी बन सकता है जब सभी देशवासियों का यही एकमात्र उद्देश्य हो। इसका अर्थ है, जब सभी लोग मिलकर किसी एक कार्य को करते हैं तो वह सफल जरूर होता है। इसलिए कवि कहते हैं कि देश को महान बनाने की मंगल भावना से सभी को मिलकर काम करना चाहिए। इसके लिए शासन का नियम भी होना चाहिए और हम सभी को उसका पालन भी करना चाहिए। एक देश हो, एक वेश हो, प्राणवान हो, सुद्देश्य हो, एक ध्यान हो निज गुरुता का, एक हिमालय सी उठान हो, मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने, मेरा देश महान बने। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने जीवन को मरण वरण एक समान बनाकर अपने देश को महान बनाने की प्रेरणा दी है। बच्चों, यहाँ मरण का अर्थ है मृत्यु और वरण का अर्थ है धारण करना, अर्थात जीवन हो या मृत्यु दोनों को खुशी खुशी देश के लिए स्वीकार करना चाहिए। विभिन्न भागों में बटा होकर भी हमारा देश एक है। हम सभी जानते हैं हमारे भारतवर्ष में कितनी जातियां हैं, कितने धर्म हैं, कितने अलग अलग प्रांत हैं, फिर भी सब अलग अलग होते हुए भी एक है। सभी लोगों की देश के प्रति भावना सजीव व शक्तिशाली हो, हम देश के हर स्वरूप को महसूस कर सके और उसे शक्ति प्रदान कर सके। सभी देशवासियों में बड़प्पन का भाव होना चाहिए, हिमालय के समान ऊंचा उठने की उमंग होनी चाहिए। देशवासियों का जीवन मरण हर स्थिति में एक समान हो, इस प्रकार मेरा देश महान बने। बच्चों, इस पद में हमारे देश की एकता की विशेषता बताई गई है। सिंहों से लड़ने वाले हों, अवसर पर अड़ने वाले हों, हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान चढ़ने वाले हों, वज्र बने दुश्मन को, प्रिय को फूलों की मुस्कान बने, मेरा देश महान बने। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपने देश को महान बनाने के लिए देशवासियों को अपनी वीरता का परिचय देने की सीख दी है। कवि ने कहा है, अपने देश को महान बनाने के लिए देशवासियों को चाहिए कि वे सिंहों के समान अपने शत्रुओं पर टूट पड़ें, अपना संकल्प पूरा करने के लिए हिमालय की तरह अडिग रहें। बच्चों, जब भी हमारे देश पर किसी भी प्रकार का संकट हो तो हमें उसका सामना करना चाहिए, उसे दूर करना चाहिए। वर्तमान में हम बहुत अच्छा उदाहरण देख रहे हैं, जो महामारी हमारे देश में आई है वो किसी एक शहर, देश या प्रांत में नहीं है, वो हर किसी व्यक्ति के लिए है और हमारा पूरा देश मिलकर उसका सामना कर रहा है। इस तरह किसी भी प्रकार की कोई भी विपदा शत्रु के रूप में हो तो हमें उसका सामना करना चाहिए, हिमालय की तरह अड़िग रहना चाहिए। जो हमारा उद्देश्य है उसको पूरा करना चाहिए, उसके लिए हमें कुछ भी कार्य करना पड़े, उत्साह से आगे बढ़ते हुए मौत को भी मात दे देना चाहिए। अपने प्रिय देश के लिए फूलों की तरह मुस्कुराते हुए अगर मृत्यु को भी स्वीकार करना पड़े तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसे ही वीरों से हमारा देश महान है और महान बना रहेगा। उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम, गले देश के लिए गले हम, मरे देश के लिए मरे हम, तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने, मेरा देश महान बने। इन पंक्तियों में कवि ने अपने देश को महान बनाने के लिए देशवासियों को अपना सब कुछ त्याग व बलिदान करने की सीख देते हुए कहा है कि हम जिए तो केवल अपने देश हित के लिए ही जिए, हम गले तो अपने देश हित के लिए गले। बच्चों, गलना अर्थात मिट जाना,
अगर हमें मृत्यु भी आए तो उसमें देश का हित ही होना चाहिए। हम सभी के तन मन में हमेशा इस प्रकार का विचार रहे कि हर कीमत पर हमारा देश महिमावान बना रहे और इसी प्रकार इसी प्रयास से हमारा देश हमेशा महान बना रहेगा। बच्चों, इस कविता में जो कठिन शब्द आए हैं उनका वीडियो अर्थ के साथ मैं आपको भेज रही हूँ, जिनकी सहायता से आप आसानी से अर्थ समझ सकेंगे और याद कर सकेंगे। बच्चों, शब्दार्थ के शब्द हैं ध्येय अर्थात उद्देश्य या लक्ष्य, श्रेय कल्याण या मंगल, विधान इसका अर्थ है कानून, वेश इसका अर्थ है स्वरूप, प्राणवान इसका अर्थ है सजीव, उत्थान इसका अर्थ है उमंग, अवसर इसका अर्थ है मौका, वज्र इसका अर्थ है कठोर, गले इसका अर्थ है मिट जाना मिले, तन शरीर, गुरुता इसका अर्थ है बड़प्पन, वरण इसका अर्थ है चयन करना।